जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग GS के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का छूट मिलेगा। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 31 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सेम यही डेटा यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर तीन पॉइंट दिए गए, इन तीन पॉइंट में से या तो एक सही है या दो सही है या दो से ज्यादा सही है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। देखिए, पहला पॉइंट दिया है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। डेटा यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये मैड्रिड स्पेन में है, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया। दूसरा पॉइंट दिया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। देखिए, यहां पर यही डेटा दिया, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर्ड है ये कहां पर है, नैरोबी में है, जो कि केन्या में स्थित है। तीसरा पॉइंट यहां पर दिया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में। तो यहां पर देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए गए और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए ये बिल्कुल सही है। अगर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय देखा जाए तो मैड्रिड में है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तीन के तीनों पॉइंट सही, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया हुआ है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, दूध उत्पादन के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर कर्नाटक में दर्ज की गई। देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो दूध उत्पादन का मामला है इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर्ज किया गया ये कर्नाटक में किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये जो वृद्धि दर था, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो ये था 8.76%। तो पहला पॉइंट सही दिया, इसमें आपको गलत को सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा था। तो देखिए, पश्चिम बंगाल दूध उत्पादन की वृद्धि में दूसरे नंबर पर रहा है, ये भी सही है। इसमें अगर वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए तो 8.65% रहा था। तीसरा पॉइंट दोस्तों दिया हुआ है, वार्षिक वृद्धि दर की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा था, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया। अगर उत्तर प्रदेश में वृद्धि की बात की जाए तो 6.99% रहा था। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही दिए गए, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। देखिए, अंडा उत्पादन की बात करेंगे तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया, खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामलों में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात किया जाए तो पूरे विश्व में पहला देश है भारत, ये भी पॉइंट सही दिया गया। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, पहला और दूसरा दोनों यहां पर सही है।
क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में सही विकल्प चुने। देखिए यहाँ पे जो 17th इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है कार्बन स्टॉक की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर था, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है केवल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के 41.74% मैंग्रोव आवरण मौजूद है, ये भी पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर तीसरा दिया है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। देखिए अगर राज्य में देखा जाएगा तो भी और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में देखा जाएगा तो भी सबसे ज्यादा जो वृक्ष आवरण वाला राज्य ये महाराष्ट्र है, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया। पहला दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि जो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट है पुडुचेरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम मैंग्रोव आवरण है, पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है चंडीगढ़ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में सबसे कम वन आवरण है, तो ये भी पॉइंट यहां पर सही है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है लक्षद्वीप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के संदर्भ में सबसे कम वृक्ष आवरण है, तो देखिए यहां पे वृक्ष आवरण की बात किया जा रहा है और यहां पर वन आवरण की बात किया जा रहा है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा तीनों बिंदु सही है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1, 2 और 3 तीनों यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। पहला पॉइंट दिया भारत में अरहर जिसे कि तूर भी कहते हैं के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है, ये पॉइंट सही है, आपको गलत को सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट दिया भारत में कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया भारत में अखरोट के उत्पादन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है, ये भी पॉइंट सही है। तो आपको इसमें से गलत को सेलेक्ट करना है जबकि तीनों पॉइंट क्या दिए गए सही दिए गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यहां पर खनिज डेटा के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। देखिए बॉक्साइट उत्पादक देशों की बात करेंगे तो भारत 6वें नंबर पर है, सही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्रोमाइट उत्पादक देश है, यह भी सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों बिंदु सही है, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 3 तीनों यहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है, सही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक देश है, यह भी सही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। देखिए यहाँ पे जो चावल उत्पादक की बात करेंगे तो ये भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है न कि तीसरे नंबर पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दो बिंदु सही दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दिया है न्यूनतम अद्यतित खनिज डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट दिया भारत में फेल्डस्पार का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, सही है। अगला दिया भारत में फायर क्ले का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया भारत में गुजरात राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है, तो ग्रेफाइट का जो भंडार है अरुणाचल प्रदेश में गुजरात में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दो पॉइंट यहां पर सही दोस्तों, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है संयुक्त राज्य ने वर्ष 2024 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो देखिए यहां पर जो दिया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो इसे इन्होंने घोषित किया कैमलिट्स वर्ष, है ना, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया है ना, यहां पे जो कदन लिखा गया इसका मतलब है मिलेट्स, तो ये भी सही है। देखिए यहां पे इसका इंग्लिश दिया है कि द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज द इंटरनेशनल ऑफ मिलेट्स, ये भी सही है, मतलब यहां पर सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया संयुक्त राष्ट्र ने
वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया, तो जो 2025 है इसको ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत है, इसमें सिर्फ सही है दूसरा, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन रहे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी, जिसके लिए आपको यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करना है। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।